कबड्डी 4, कबड्डी 3, कबड्डी 2, कबड्डी 1, कबड्डी। प्रदीप नरवाल, ओहो, ये देखिए सुपर रेड होनी चाहिए, सुपर रेड का इंतजार कीजिए। थ्री पॉइंट्स पटना पायरेट्स, टू और डाई जिसका इंतजार कर रहे थे वो आ गई है। अजिंक्य पवार पिछले टू और डाई में कामयाब और इस बार भी कामयाब हो जाएंगे। वन पॉइंट जयपुर पिंक पैंथर्स, वक्त निकल रहा है, इस बात का ख्याल रखना होगा अजिंक्य को, कहां अटैक करेंगे। जयदीप ने अटैक किया, सुपर टैकल पटना का, सुपर टैकल, टू पॉइंट्स पटना पायरेट्स। इस सुपर टैकल ने पटना पायरेट्स को हाफ टाइम से ठीक पहले मुकाबले में और नजदीक ला करके खड़ा किया है। मास्टर टीम है जयपुर पिंक पैंथर्स, 20 सुपर टैकल है उनके नाम और ये 21वां सुपर टैकल। सुपर टैकल टू पॉइंट्स जयपुर पिंक पैंथर्स। प्रदीप नरवाल तीसरी बार सुपर टैकल हुए, पहली बार अमान्य करार कर दिया गया, लेकिन अगली दोनों बार सुपर टैकल प्रदीप को सफाई से किया। डाइव लगी है जैन कुल्ली की, एस्केप, क्या दो पॉइंट है, बिल्कुल टू पॉइंट्स पटना पायरेट्स। अब तक संयम दिखा रही है पटना की डिफेंस, प्रदीप डिफेंस का हिस्सा है नहीं, हाथी बच रहे हैं, बोनस क्लियर मिल चुका है, घिर गए जयपुर, फाइनली ऑल आउट, बोनस जयपुर पिंक पैंथर्स, जयपुर पिंक पैंथर्स ऑल आउट, 1+3 points पटना पायरेट्स। लगातार ऑल आउट टालते टालते आखिर जयपुर पिंक पैंथर्स को ऑल आउट होना पड़ा। 52 सुपर 10 पहले ही इनके नाम है, सुपर 10 का अर्धशतक ये लगा चुके हैं, प्रो कबड्डी के इतिहास में ऐसा कारनामा अब किसी ने नहीं किया। और ये लीजिए सुपर 10 पूरा प्रदीप परवाल का, टू पॉइंट पटना पायरेट्स, जर्सी नंबर 10, वन आउट, लगातार 5वां सुपर 10 प्रदीप परवाल का। क्या खूबसूरत जंग है नवीन के साथ, नवीन ने इनका रिकॉर्ड तोड़ा था तो प्रदीप ने कहा नवीन नए रिकॉर्ड बनाएंगे, मैं उनके रिकॉर्ड तोड़ूंगा। ये कमाल किया संदीप भुल, उनका हाई फाइव पूरा हो चुका है इस सीजन में, 5वां हाई फाइव और 50 का आंकड़ा पहले ही पार कर चुके हैं वो डिफेंस में, बिल्कुल अब 54 टैकल पॉइंट हो चुके हैं संदीप भुल के। एक पॉइंट की लीड है जयपुर पिंक पैंथर्स के पास, कल के दो मुकाबले आपको याद होंगे, यहां पहले देखते हैं किस तरह से प्रदीप नरवाल की 28 पर जाने की कोशिश की, प्रदीप ने छलांग लगाई और दोनों एड़ियां हाथ में, यहां इनको चलना पड़ेगा। अजिंक्य पवार डुओ डाई रेड में है, नरम गरम रहे हैं आज, इसके बाद पटना की डुओ डाई रेड है, जयदीप का मजबूत आई होल्ड, पवार आउट, वन पॉइंट पटना पायरेट्स, स्कोर बराबर। पटना पायरेट्स, ओ हो, सुशील गुलिया काम कर गए, अभिषेक कह रहे हैं 4 शिकार, शिकार 3 है या 4 है, आइए देखें। 3 पॉइंट्स जयपुर पिंक पैंथर्स, दोनों के पास रिव्यूज नहीं है, 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, यानी कि सुपर रेट तो है, तारीफ करनी होगी सुशील गुलिया की, क्या जबरदस्त खेल रहे हैं वो आज। सुशील गुलिया लगातार ऐसे मौकों पर आते हैं और अपनी टीम का ऑल आउट बचाते हैं, सुपर रेड करके इन्होंने अपनी टीम को पटना के बराबर ला खड़ा किया है, दोनों कवर्स गए, राइट कॉर्नर हादी और स्ट्रोक भी गए, लगातार बेहतर कर रहे हैं। और ये देखिए यहां पर प्रदीप ने काम किया, वन पॉइंट पटना पायरेट्स, संदीप ढोल गए थे लेफ्ट से उन्हें पकड़ने के लिए, हमारी नजरें थी राइट कॉर्नर पर,
अमित हुड्डा जो सबसे बार ज्यादा आउट कर चुके हैं, संदीप ढुल चेन लेकर आए, ब्लाइंड हो गए थे, दीपक उनके सामने थे, दीपक इतनी जल्दी पीछे हटे, संदीप ढुल को कुछ समझ नहीं आया। जहां जयपुर को चाहिए एक डिफेंडर जल्दी आए, जैन कुल्ली को धक्का मार के भेजे ताकि इनको एक रेड और मिले, क्योंकि जैन कुल्ली वापस नहीं जाएंगे, पटना जीतेगी। जयपुर के डिफेंडर को आगे आना चाहिए ताकि एक रेड और हासिल कर ले। जयपुर के डिफेंस ने ये बुनियादी गलती कर दी, एक पॉइंट से हारे, दो पॉइंट से हारे, क्या फर्क पड़ता है, चांस तो लेते कम से कम रेड का। वन पॉइंट पटना पायरेट, जर्सी नंबर 10 आउट। और इसके साथ ही ये मुकाबला यहीं पर समाप्त। पटना पायरेट्स की सीजन 7 के अंदर लगातार दूसरी जीत, पिछले मैच में उन्होंने तमिल थलाइवास को एक तरफा हराया और आज जयपुर पिंक पैंथर्स को पराजित किया।